दायां खड़े खड़े। और देखो जो सचिव बनेगा उसको भेदभाव, ठीक है, जात पात नहीं मनानी है और भेदभाव नहीं करना है। सचिव कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? अरे हर जात का तो बनेगा तो एक ही। देखो किसी के प्रति गलत भावना नहीं होनी चाहिए और जात पात नहीं मनानी चाहिए कि वो दीदी ऊंची कास्ट की है और ये दीदी ऊंची कास्ट की है तो क्या करेंगी उनके लिए राशन पानी तो ये क्या हुआ? भेदभाव ऐसे ही देखते हैं, ऐसे तो ना देखते हैं कि वो घर घर जाके भेदभाव यही तो पता चलेगा। जब आप मीटिंग जाओगी तो भेदभाव कहाँ पता चलेगा? मीटिंग में अगर हमारे पास 10 गिलास नहीं है तो हम डिस्पोजर मंगाएंगे, सबको देंगे। कोई ये नहीं कह सकेगा कि हमें गिलास भी दिया उनको उसमें दिया। हर प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर दीदी ने 10,000 की मांग रखी है और इनके सपोर्ट इनकी दौरानी जेठानी ने 10,000 की मांग रखी है तो इन्हें 5 देकर इन्हें 15 दे दिए तो क्या हुआ? भेदभाव। तो कैसा होना चाहिए सचिव? सचिव कैसा होना चाहिए दीदी बोलो, जो समाज को लेके चले और तो कोई सी दीदी खड़ी हो जाए उसको भी ब्लॉक बैंक क्लस्टर आना जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा रो रहा है या पेट में दर्द है या सिर में दर्द है, उसको विचार नहीं करना है। ये बहू तो आज आई, हमें लगता है ये कल आई थी, नहीं आई थी। आप दीदी बुलाने से खींच के आई हो और हम हमारी जब यहाँ मीटिंग होगी महीने में 2 बार तो आप फिर खींची जाओगी। अगर हमें काम करना है तो अंदर से भावना आनी चाहिए, हमें अंदर से जागरूक होना चाहिए कि हम करेंगे काम को। हम बिना बुलाए हमें अब ये सचिव के लिए खड़ी हुई हैं, ताली बजा दो। अच्छा ये बताओ किसी को परेशानी है? क्योंकि आप लोगों ने चुना, हमने तो चुना नहीं इनको। आप देखो दीदी बोलो बनेंगे, सब बनेंगे, एक एक समूह से पहले लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो जितने बचे हैं उनको भी काम से लगाया जाएगा, ये नहीं कि जो बच गए हैं वो, हाँ सबको काम से लगाएंगे। पर जिम्मेदारियाँ 5 को देंगे हम, है ना। वैसे जिम्मेदारियाँ सबकी हैं जितने आप लोग हो इसमें, पर ज्यादा जिम्मेदारी किसकी होगी? हाँ जो ज्यादा भागेगा। देखो गाड़ी वही सही चलती है जिसके पहिए ठीक हो। अगर पहिया ठीक कैसे हो, अगर जो पिंचर लगा लगा के चलाओगे तो वो रास्ते में धोखा दे जाएगी, है ना दीदी। अच्छी होनी चाहिए, पिंचर वाली नहीं कि बुखार आ रहा है, पेट में दर्द है, मुंह में दर्द है, एकदम फ्रेश होनी चाहिए। फ्रेश माल इसमें मिलता है नहीं, तो 3 जन ने जी बात तो सुन लेंगे। जरा कहियो दीदी अम्मा ऐसा कहा थी तो 17,000 आए थे। हम तो बुरा रहे, हम लोग आते क्यों नहीं, हमने कल भी बुलाया